जैसे कि तुम सब लोग काफी ज्यादा ही कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में वीडियो लेकर आओ, हेडशॉट ठीक से नहीं लग रहा है। बात तो सही है। तो देखो अभी जो तुम्हें यहाँ पर फायर बटन साइज दिख रहा है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर हेडशॉट तुम देख सकते हो कितना सही लग रहा है। और सिर्फ ही नहीं, यहाँ पर तुम फायर बटन साइज को देखो भाई, सही से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हेडशॉट भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो क्या फायर बटन साइज को बड़ा रखे या फिर छोटा रखे, दोनों में ही सही काम करता है? जी हाँ, बट इसमें एक ट्विस्ट जरूर है जो मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा मैं तुम्हें टॉप 3 फायर बटन साइज भी देके जाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो से याद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो आप फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखो यहाँ पर जो तुम्हें फायर बटन साइज दिख रहा है ये कुछ 80 प्लस फायर बटन साइज है, और इसमें हेडशॉट देख सकते हो ठीक ठाक तो लग रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा ड्रैग करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिकॉइल का प्रॉब्लम है, बड़ा फायर बटन में बहुत ज्यादा ही कम देखने के लिए मिलता है रिकॉइल, बट इसमें दिक्कत क्या है कि फायर बटन को काफी ऊपर तक ड्रैग करना पड़ता है, और मोबाइल में ये जगह मिलता ही नहीं है उतना ज्यादा ऊपर तक ड्रैग करने की, जिस वजह से जो है यहाँ पर तुम्हें फायर बटन को थोड़ा सा छोटा रखना बेटर होता है। बट बात करते हैं बिल्कुल भी छोटा फायर बटन क्या सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखो इसमें सही गलत की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर होता क्या है, तुम्हारा फिंगर किस हिसाब से काम करता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है तुम्हारा फायर बटन साइज। देखो अगर तुम्हारा फिंगर साइज काफी छोटा है तो तुम यहाँ पर उसी के हिसाब से फायर बटन साइज को रखो, ना कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा रख रहे हो। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम ड्रैग करते हो सही से फायर बटन को टच नहीं मिलता है, जिस वजह से जो है यहाँ पर कई बार रोटेशन ड्रैग पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर सिंपल ड्रैग पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो तुम्हें मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर तुम अपने फिंगर की साइज के हिसाब से फायर बटन साइज को रखो, फिंगर को फायर बटन के ऊपर बैठाओ, फिर चेक करो कि फिंगर के हिसाब से तुम्हारा राइट वाला जो ड्रैग फायर बटन है उसका साइज सही हुआ है कि नहीं। देखो ये फिंगर के हिसाब से ही तुम्हें सेट करके रखना पड़ेगा। और फ्री फायर के अंदर अगर तुम ज्यादा ही छोटा फायर बटन साइज यूज करते हो, जैसे कि तुम्हें अभी दिख रहा है मैं यहाँ पर 10 के करीब फायर बटन साइज को यूज कर रहा हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल ही छोटा है, और इसमें तुम हेडशॉट देख सकते हो कि सही से हेडशॉट लग रहा है, बट यहाँ पर रिकॉइल को भी मैनेज करना पड़ता है, वरना यहाँ पर गन काफी हद तक रिकॉइल करता है। मैगजीन आधा से ज्यादा एनिमी से कनेक्ट होता नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिकॉइल कर जाता है छोटा फायर बटन साइज में। अगर तुम यहाँ पर रिकॉइल को मैनेज कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर छोटा फायर बटन काफी ज्यादा हेल्प करता है, चाहे यहाँ पर वाइंड अप हेडशॉट की बात करें या फिर ड्रैग हेडशॉट की बात करें, दोनों में काफी बढ़िया काम करता है। तो तुम यहाँ पर अपने फिंगर के हिसाब से फायर बटन साइज को रख सकते हो, यानी अपने फिंगर साइज के हिसाब से फायर बटन साइज को रखो, काफी अच्छा खासा रिजल्ट तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और उसके अलावा अगर तुम्हें एक बने बनाए फायर बटन साइज चाहिए तो ये रहा टॉप 3 बेस्ट फायर बटन साइज, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो तुम ये टॉप 3 फायर बटन साइज में से किसी भी एक फायर बटन साइज को तुम अपने डिवाइस के अंदर अप्लाई करके काफी अच्छा खासा हेडशॉट ले सकते हो, बट इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। तो तुम एक बार प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा हेडशॉट कैसा लग रहा है, क्या पहले से कुछ अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और कौन सा फायर बटन साइज यूज कर रहे हो और कितने जीबी रैम वाले डिवाइस के अंदर तुम ये फायर बटन साइज को यूज कर रहे हो, वो भी तुम नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा वो भी तुम नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। उसके अलावा अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।